स्वागत है आप सबका हमारे चैनल जिसका नाम है पीयूष सक्सेना ऑलराउंडर। आज बहुत ख़ास रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और उस रेसिपी का नाम है कांजीवरा। ये मारवाड़ी राजस्थानी फेमस रेसिपी है, तो चलिए हम लोग बनाते हैं। उसके लिए चाहिए पैन 2 लीटर पानी, तो ये मैंने पहले से ही खोला के अच्छे से और छान के और रूम टेम्परेचर पे रख दिया था, तो ये ना तो ज़्यादा बहुत ठंडा है ना तो बहुत गर्म है, टेम्परेचर मतलब अच्छा है, तो ये काफ़ी दिन आप रख के इसको खा सकते हो, बहुत अच्छा बनता है। तो उसके लिए मैंने पहले से खोला के अच्छा हो जाता है, पानी साफ़ हो जाता है। अगर आपका आरओ का पानी है फिर भी थोड़ा सा आप गुनगुना जरूर कर ले पानी। तो चलिए इसका मसाला तैयार करने, तो आप फैमिली देख सकते हैं। उसके लिए हमें चाहिए नमक और ये काला नमक और सेंधा नमक, इसे पिंक नमक, पिंक सॉल्ट भी बोलते हैं। तो ये मिक्स है, ये है 2.5 चम्मच लाल मिर्च है और ये है हींग और ये है पिसी हुई राई, तो मैंने इसमें भी निकाल लिया है। और ये है 2 चम्मच रिफाइंड और ये है 2 चम्मच पानी और ये रही हमारी दिया तड़का लगाने के लिए। तो चलिए इसको बनाते हैं। ऑलरेडी मैंने थाली ली है, उसके इसके लिए एक थाली की ज़रूरत होती है। तो गिरा लेते हैं कि मसाले, नमक, मिर्च सब एक साथ घी ऐड होगा। मेरा 2 लीटर पानी है तो उसी स्वाद अनुसार ही नमक लिया है, आप जैसा बनाए वैसे ही नमक लीजिएगा और मिर्च भी वैसे ही लीजिएगा स्वाद अनुसार। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा। अब इसको हमें मतलब आप चम्मच से भी कर सकते हैं लेकिन हाथ से ज़्यादा अच्छा होता है, खाने में भी टेस्टी है और सेहत के लिए भी हेल्दी है। और सबसे बड़ी बात, आपका खाना ये बहुत जल्दी पचाता है, बहुत जल्दी पचाता है, तो आप लोग भी घर में ट्राई करिएगा और ये सबको पसंद आने वाला है क्योंकि बहुत टेस्टी होता है। अभी आज तो इसका पानी बना रही हूँ, तड़के के लिए तेल गरम कर रहे हैं गाइस। ये देखिए ये हमारी दिवाली भी वो हो रही है। चलो फैमिली इसको पानी में डाल देते हैं और इसको ढाक देते हैं, इससे मट्टी की सोंधी खुशबू आती है। तो फैमिली इसे जो है तड़के को इसमें डाल देते हैं। इसमें डालने के बाद ये हींग हमने जो पचाई थी ये भी डाल देते हैं और इसको चम्मच से फेंट लेते हैं एक बार और अच्छे से। तो कांजी का पानी तैयार हो चुका है, तो आप देख सकते हैं। और गर्मी होती है तो ये 3 से तो फैमिली आप देख सकते हैं ये हमारा कांजीवरे का पानी तैयार हो गया है। कांजीवरे का पानी तैयार हो गया है, तो इसे गर्मी के मौसम में 3 से 4 दिन में ये खट्टा जहाँ पे गर्म जगह हो उस जगह आप इसको रखिए, तो ये 3 से 4 दिन में हो जाएगा। अगर सर्दी का मौसम है
तो ये 5 से 6 दिन लेता है खट्टा होने में। उसके बाद अब इसमें भरे, अब हम भरे बाद में डालेंगे। आज कांजी बरा का पानी बना रहे हैं, चौथा दिन है हमारा। कांजी का पानी तैयार हो चुका है, तो उसके लिए मैंने बेसन की पकौड़ियाँ बना के डाल रही हूँ। आप लोग उड़द की दाल पीस के भी बरे बना सकते हो और मूंग की दाल का भी बरा बना सकते हो। उसके लिए मैंने डाल दिया है और इधर ये निकाल दिया। उसको निकालने के बाद हमें इसको पानी में डालना होता है गाइस। चलिए आपको पानी दिखा देते हैं। देखिए कितने अच्छे से फर्मेंट हो गया है ये पानी हमारा। कांजी का पानी कितने अच्छे से तैयार हो गया है। सारी इसकी जो राई है वो देखिए आपको ऊपर दिख रही होगी। है तो बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। और आप भी बनाइएगा, अपने बच्चों को, अपने बड़ों को, सबको खूब आप भी खाइए और सबको खिलाइए। चलिए इसमें डाल के आपको दिखाते हैं। तो पानी में गैस डालने से इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाता है। अब हम एक एक करके इसमें डाल देंगे सारे। गैस देखिए हमारे कांजी बड़े तैयार हो गए हैं। अब ये आयुष खा के आपको बताएगा ये कैसे बने। आयुष खाओ। बहुत अच्छे लगे बने हैं ये, बहुत अच्छे हैं। आप भी घर पे बनाए ट्राई करिए और देखिए बहुत अच्छे बने हैं ये। तो गाइस आज का ब्लॉग आपको ये आप भी खा लीजिए। आइए सब लोग, आप लोग भी खाइएगा आके। और आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी और नई नई रेसिपी या और अगले ब्लॉग देखने के लिए हमारा इंतज़ार करिएगा अगले ब्लॉग का। ओके बाय गाइस, बाय।